गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में स्वर संधि का अभ्यास करेंगे। वैसे तो संधि के नियम जो भी है उसका एक वीडियो मैंने आपने पहले देखा ही होगा, उसमें संधि के नियम मैंने आपको बता दिए हैं। और आज उसी के आधार पर, उसी नियमों के आधार पर कई उदाहरणों का हम अभ्यास करेंगे, मुहावरा करेंगे, जिससे आपको संधि किस तरह छोड़नी है, संधि किस तरह जोड़नी है उसके बारे में पता चले। तो आपकी किताब में पेज नंबर 106 और 107 पर जो स्वाध्याय के रूप में प्रश्न दिए हैं उसका आज हम मुहावरा करेंगे। पहले संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, और संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संधि के तीन भेद बताए गए हैं। पहला भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभि प्लस इष्ट तो अभिष्ट, तो दोनों जो संधि वाले संधि करने पर दोनों शब्दों के अंत में, पहले शब्द के अंत में ई है और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी ई है, यानी कि दोनों वर्ण स्वर है, तो दो इस तरह की जो संधियाँ होती है कि उसे हम स्वर संधि कहते हैं। फिर स्वर संधि के भी पांच प्रकार है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। इसमें हम दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखें तो अ प्लस अ बराबर आ, फिर अ प्लस आप तो भी आ प्लस अ तो भी आ प्लस आ तो भी आ, ई प्लस ई तो बड़ी मात्रा, ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी मात्रा ई, और ई प्लस ई भी तो भी बड़ी ई, और ई प्लस ई में भी ई होगी, और ऊ प्लस ऊ तो ऊ, और ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ी मात्रा वाला तो भी बड़ा ऊ। तो यहाँ पर जो भी संधि के नियम दिए गए हैं वो पहले मैंने आपको बता दिए गए हैं, तो आज हम उसी के आधार पर कई उदाहरणों का मुहावरा करेंगे। आप अपनी किताब में साथ में लिखते जाएंगे या अपने नोटबुक में लिखें। तो यहाँ पर कंस प्लस अरी तो कंसारी वो दिया गया है उदाहरण। उसके बाद के जो उदाहरण है उसका स्वाध्याय आपको आज करना है। एक प्लस आनंद, एक प्लस आनंद, संधि कीजिए, संधि कीजिए, गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र तो गिर इंद्र, गिर इंद्र। यहाँ पर छोटी और छोटी दोनों छोटी मात्रा में से बड़ी मात्रा ई हो गई। पारी प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा, यहाँ भी ये छोटी ई बड़ी ई दोनों की बड़ी हो गई, परीक्षा बड़ी ई हो गई परीक्षा। नाड़ी प्लस ईश्वर, नाड़ी प्लस
ईश्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी ई बड़ी दोनों बड़ी मात्रा है उसका बन गया उसकी बन गई नारीश्वर। अ प्लस आ यहाँ पर अ प्लस आ तो आ। दूसरा उदाहरण है गिरी प्लस इंद्र तो ई प्लस ई दोनों छोटी मात्रा है ई प्लस ई तो दोनों छोटी मात्रा यहाँ पर हो गई बड़ी ई। फिर यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई यहाँ पर हो गई बड़ी ई और यहाँ पर बड़ी ई और बड़ी ई दोनों बड़ी ई तो भी यहाँ पर बड़ी ई। इस तरह ये संधि के नियम अनुसार यहाँ पर हम संधि को जोड़ सकते हैं। दूसरे कुछ उदाहरण हैं। अब संधि विच्छेद करना है हम संधि विच्छेद करना है कल्पांत कल्पांत तो कल्प प्लस अंत भाषांतर भाषांतर तो यहाँ पर भाषा प्लस अंतर भाषा प्लस अंतर। विद्यालय विद्या प्लस आलय विद्यालय विद्या प्लस आलय। मुनीश तो मुनि प्लस ईश मुनीश। कृष्णानंद कृष्णानंद कृष्ण प्लस आनंद। कृष्ण प्लस आनंद रविंद्र रवि प्लस इंद्र रवि प्लस इंद्र। रजनीश तो रजनी प्लस ईश रजनीश तो रजनी प्लस ईश। रजनी प्लस ईश तो यहाँ पर भाषांतर भाषा आ प्लस ओ तो आ। विद्यालय तो आ प्लस आ तो आ। मुनिष्मा ई प्लस ई तो ई। कृष्णानंदमा अ प्लस आ तो आ और रविंद्र में ई प्लस ई तो ई और रजनीश में भी ई प्लस ई तो यहाँ पर ई। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों स्वरों के मेल से यहाँ पर किस तरह की मात्राएं हम लिख सकते हैं। तो आपकी किताब में यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में दिए गए सभी उदाहरण में आपको उत्तर नहीं दिए गए जिसके उत्तर मैं आपको लिखा रही हूँ तो साथ में आपको ये उत्तर अपनी किताब में लिखने हैं। अब गुण स्वर संधि तो गुण स्वर संधि में अ आ ई ई का ए होगा अ और आ हो या ई और बड़ी मात्रा हो ई की तो दोनों के मेल से ए होगा। ये हम देखेंगे
सूर प्लस इंद्र, सूर प्लस इंद्र, तो यहाँ पर अ और यहाँ पर ई, अ और ई के मेल से ए होगा सुरेंद्र, सुरेंद्र। यहाँ पर अ, यहाँ पर ई, जिसका हो गया ए, ओके। गुण स्वर संधि में एक नियम ये है, दूसरा नियम है अ प्लस आ का ओ होगा, उसके जो उदाहरण हम देखते हैं उसके बाद दूसरा देखते हैं, ईश्वर, ईश्वर, तो संधि की हम ईश्वर प्लस इच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा। यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर अ और यहाँ पर ई, जिसका हो गया ए, तो ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा। जीत प्लस इंद्री, यहाँ पर क, यहाँ पर ई, दोनों के मेल से हो गया ए, तो यहाँ पर ए के रूप में हमें ये मात्रा यहाँ पर लगानी है। जीत प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय, तो जितेंद्रिय बन से शब्द, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। तो यहाँ पर अ है, अ प्लस ई, जिसका हो गया ए, ओके। तो इस तरह आपको गुण स्वर संधि में द्वितीय नियम है। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। आपको अपनी किताब में देखना है, साथ में जहाँ पर लिखने की जरूरत है वह भी लिखना है और समझना है। तो आपको संधि में कोई परेशानी फील होगी नहीं, अच्छे से समझ लोगे। दूसरा नियम है गुण स्वर संधि का, अ प्लस आ और उ प्लस उ का ओ हो जाएगा, अ और आ और ई का ओ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखे कि आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग, तो आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। किस तरह यहाँ पर हुआ है हम देखें तो यहाँ पर क्या है, अ है, यहाँ पर ओ है, दोनों का हो गया ओ, अ ओ दोनों के मेल से हो गया ओ, तो आत्म प्लस उत्सर्ग। तो यहाँ पर ये मात्रा लगेगी, म पर ए ओ वाली मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर आत्मोत्सर्ग, ओके। दूसरा उदाहरण देखिए, लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति, तो यहाँ पर भी सेम यही नियम लगेगा, अ उ का होगा उ, तो लोकोक्ति मात्रा, ये ओ वाली मात्रा कहाँ पर लगेगी, तो यहाँ पर लगेगी, लोकोक्ति, लोक
कोटी। आगे का उदाहरण है गंगा प्लस उदक। गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, तो यहाँ पर ओ था, यहाँ पर क्या हो गया आ प्लस उ, तो भी ओ होगा। तो गंगा प्लस उदक में गंगोदक, यहाँ पर मात्रा लगी की होगा, तो गंगोदक इसका लोप हो जाएगा, यहाँ पर ओ वाली मात्रा लगेगी, गंगोदक। गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर बड़ा बड़ी मात्रा है उ, जिसका होगा ओ, इसका भी वो ही होगा, जिसमें गंगोर्मी, यहाँ पर ये ओ वाली मात्रा लगानी है, गंगोर्मी उ का लोप होगा, गंगोर्मी, गंगोर्मी। यहाँ जो र का उच्चार होता है वह र यहाँ पर रेप के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर आ और उ का जो ओ हुआ वह हम इस शब्द के ऊपर लगाएंगे, इस अक्षर पर लगाएंगे, इस तरह आ प्लस उ का ओ हो गया तो गंगोर्मी। ओके, इन सब आपको समझना है और लिखना है। और आगे का एक नियम है वो हम देखें, किताब अपने हाथ में होगी तब पता चलेगा, किताब में दिया है सब, अ प्लस आ का रू, अ प्लस आ के साथ रू जुड़ने पर, रू स्वर जुड़ने पर अर हो जाता है अर, ये नियम के कुछ उदाहरण हम देखें कि देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि तो देवर्षि, देवर्षि। जैसे यहाँ पर अ है, यहाँ पर रु है, तो उसका हो गया अर। अब ये जो र है वो रेप के रूप में लिखा जाएगा और अ है वो आगे के शब्द में उसका प्रयोग मिल जाएगा, आगे के अक्षर में वो मिल जाएगा, तो यहाँ अ प्लस रु दोनों जोड़कर दे वर शी, ये र है व पीछे वाले शब्द अक्षर पर व रेप के रूप में लिखा जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, यहाँ पर भी आ है और यहाँ रूम, दोनों का हो जाएगा और, इस तरह दोनों मिलाकर और हो जाएगा, तो यहाँ पर हम संधि जोड़ते हैं तब रा जो और इसमें मिल गया और र, र सी में जोड़ना है राजसी, पता चला ये आ है ये रू है, दोनों को मिलाकर और बनता है, तो और बनने पर जो अ है वो इस शब्द में मिल जाता है, इस वर्ण में मिल जाता है, और जो र है वो उसके पीछे के जो इसका लोप हो जाता है, और शी जो है उसके ऊपर ये र
रेप के स्वरूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर रा ज शी, अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको समझा लूँगी, यहाँ पर अ है और रू है, ये दोनों को मिलाकर और बनता है। जब उसकी संधि को हम जोड़ते हैं तब, इस संधि को जोड़ते हैं तब ये शब्द जो है उसमें अ मिल जाता है, सॉरी शब्द नहीं, इस वर्ण में अ मिल जाता है, रू का लोप हो जाता है और जो ये र है वह उसके पीछे वाले वर्ण पर रेप के स्वरूप में लिखा जाता है। इस तरह अ प्लस रू और अर हो जाएगा और उसका शब्द इस तरह देवर्षी और राजर्षी बनेगा। एक उदाहरण आपको और भी देखना है तो ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अ है प्लस ये रूपी स्वर है, दोनों स्वर मिलकर यहाँ पर अर हो गया। तो ब्रह्म या अ जो है उसमें मिल गया, इसका लोप हो गया और श लिख दिया हमने और जो ये र है वह श के ऊपर हो गया, ब्रह्मर्षि। ओके, अब आपको जो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं स्वाध्याय के रूप में आपको मुहावरा करना है वह हम देखें। जो नियम जो समझाए मैंने इसके आधार पर यहाँ पर नीचे स्वाध्याय के रूप में आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो उसे हम देखें। नर प्लस इंद्र, फल प्लस इच्छा, कमल प्लस ईश, कमल प्लस ईश, उमा प्लस ईश, उमा प्लस ईश, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, अर्थ प्लस उपार्जन, अर्थ प्लस उपार्जन। कितने उदाहरण पहले हम देखें तो आप खुद इसका मुहावरा करते हुए इसमें नर प्लस ईश्वर तो नारेश्वर ये वाला नियम उसमें लगेगा, सॉरी इंद्र जी, नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र, नरेंद्र। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर अ ई दोनों के मेल से ए, फल इच्छा, फल प्लस इच्छा तो फलेच्छा, फलेच्छा ऊपर वाला सेम नियम यहाँ पर लगा है। ओके, फलेच्छा अ प्लस ई का ए, कमल प्लस ईश तो कमलेश, यहाँ पर भी कमलेश, यहाँ पर भी पहले की तरह बड़ी है तो भी इसका ए ही होगा कमलेश। उमा प्लस ईश तो उमेश, यहाँ पर आ है ई है दोनों के मेल से भी ए ही बनेगा उमेश। सप्त प्लस ऋषि, लास्ट में जो हमने नियम देखा वहीं पर यहाँ पर आएगा, अ प्लस रू तो इसका होगा और, तो सप्तर्षि, स तो इसका लोप हो जाएगा और जो मात्रा है र की मात्रा वह श ऊपर लगेगी तो सप्तर्षि। अर्थ प्लस उपार्जन तो अर्थ प्लस या अ प्लस उ का ओ हो जाएगा अर्थोपार्जन, अ प्लस उ का ओ हो जाएगा अर्थोपार्जन, अर्थो पार्जन। ओके, इतने उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं तो अब आपको बाकी के जो उदाहरण है आपकी किताब में
वर्ब आपको अपने आप करने हैं। बाकी के जो उदाहरण हैं वह अपने आप आपको करने हैं। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले जो नियम यहाँ पर दिए गए हैं उसका तो वीडियो मैंने पहले आपको आपने वो वीडियो देख लिया होगा संधि के नियमों का, इसलिए आज मैंने ये संधि के नियम अति सूक्ष्म रूप से आपको समझाए हैं और उसमें जो गुण संधि गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं उसका मुहावरा भी मैंने आपको करवाया। अपने किताब में पेज नंबर 106-107 पर आपको देखना है, पूरी तरह उसे समझना है और स्वाध्याय के रूप में जो पेज नंबर 107 पर मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर करवाए और कुछ अभी शेष है वह संधि विच्छेद कीजिए, ये जो उदाहरण है वह अपने आप आपको करने है। इस तरह आप गुण संधि गुण स्वर संधि तक की किताब में जितने भी एक्सरसाइज दी है वह कंप्लीट करेंगे। ओके, बाकी इसमें जो आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं बाद में आपको करवाऊंगी। पिछले वीडियो में इसके बाद की वीडियो में उसमें क्या उत्तर आता है वो मैं आपको एक बार बता दूंगी, जिससे आप में यदि कोई गलती रह गई हो, आपकी लिखावट में यदि कोई गलती रह गई हो तो आप उसे सुधार सकते हैं। लेकिन इतने उदाहरण आपको अपने आप खुद से करने हैं जिसके कारण आपको ईश्वर संधि के नियम भी समझ में आ जाए और संधि वाला प्रश्न कभी भी परीक्षा में पूछा जाए तो आप आसानी से उसकी संधि छोड़ना या जोड़ना दोनों कर सके। इसलिए ओके, थैंक यू।